आदि काल में महिषासुर नामक एक बहुत ही बलशाली और भयानक राक्षस था। जिसने अपनी कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था कि तीनों लोकों में किसी भी पुरुष के हाथों उसकी मृत्यु ना हो। महिषासुर की यह धारणा थी कि नारी कमजोर होती है और वो किसी पुरुष को नहीं मार सकती, अतः नारी जाति से महिषासुर को कोई भय नहीं है। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर महिषासुर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। इसको बोलिए फेस हमेशा इधर करके, पता नहीं कैसे करना। जो कोमल
और सौम्य है वो मेरी मृत्यु। तुझे तो मैं फूंक दूं तो उड़ जाए, एक कली की कोमल पंखुड़ी के समान है तू। मूर्ख महिषासुर सावधान।